वेब सीरीज का सीजन 3 है, उसका इंतजार लोग बहुत कर रहे हैं। हाँ वो तो आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो जब वेब सीरीज फर्स्ट आई थी ना, सीजन फर्स्ट तो रिलीज हुई थी, उस समय वो घर पे ही थे। तो वो पूरे फैमिली के साथ तो देखे थे आप। पंचायत वेब सीरीज की शूटिंग जो हुई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी, फुलेरा गांव में। पंचायत वेब सीरीज में विकास शुक्ला जो एक सचिव है उनके सहायक का किरदार निभाया था। आप अभी हम उन्हीं के घर पे हैं, ये घर उन्हीं का है और उनका नाम है चंदन रॉय और अभी उनके भाई साहब मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है? विशाल किशोर। कैसे पता चला कि इतने बड़े कलाकार हो गए? पहले कैसे पता चला तो पंचायत की शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने फ़ोन करके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन किया था कि मुझे एक एट लास्टली एक काम मिल गया है पंचायत वेब सीरीज में। पंचायत वेब सीरीज का सीजन 3 है, उसका इंतजार लोग बहुत कर रहे हैं। हाँ वो तो आएगा अभी। जैसा जो चंदन रॉय है और पंचायत वेब सीरीज के बाद उनको विकास के नाम से जाना जाता है, उनकी बहन हमारे साथ। जी, उनकी छोटी सिस्टर है। उनका शुरू से ये लक्ष्य था, उनका पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ इनको यही सब मन लगता था। अमिताभ बच्चन से ज़्यादा उनका ये था फेस था और क्या हेयर स्टाइल वगैरह वही से रखना या फिर उसकी तरफ ही जाना था, तो उनका एक अलग शुरू से था। डॉन फिल्म का पॉपुलर डायलॉग या शोले का बहुत सारा उनका जो भी मिमिक्री जो भी फेमस डायलॉग था वो करते थे। वो उनका मिमिक दीवार का या लालू यादव का भाषण का नकल करना, सारे मतलब जो भी फेमस पॉपुलर लोग हैं उनका नकल उतारते थे। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो जब वेब सीरीज फर्स्ट आई थी ना, सीजन फर्स्ट तो रिलीज हुई थी, उस समय वो घर पे ही थे। तो वो पूरे फैमिली के साथ तो देखे थे। आपको अच्छा लगा? उम्मीद नहीं था उससे बेहतर पाए। तो पंचायत वेब सीरीज में क्या नाम था उनका? विकास। विकास वही नाम, उसी नाम से वो पॉपुलर। अभी भी बहुत आदमी विकास नाम से उसे जानते हैं। बाजार में निकलते हैं तो उनको बाजार विकास ही बोलते हैं कि पंचायत के विकास जा रहे हैं। अच्छा, गांव में भी उनको लोग विकास के नाम से जानते हैं। विकास मतलब जैसे जो लोग पंचायत की वजह से जाने हैं वो लोग विकास बोलते हैं। उनके साथ हमेशा रहते हैं, जब आते हैं तब यही रहता है। ज्यादा टाइम जो अभी है यही रहते हैं, ज्यादा टाइम हम बिताते हैं उनके साथ। सोते हैं तो वो बुक पढ़ते हैं, हम अपना फोन चलाते हैं, फिर थोड़ा मोड़ा बातें करते हैं कि वहाँ क्या करते हैं। पंचायत देखें आप? हाँ साथ में देखें। हाँ साथ में भी देखें। फिर सीधा गुलमोहर आया है, पहली मूवी सनक आया था वो भी साथ में देखे थे। कौन कौन सी मूवी देखे उनका? उनका पंचायत देख ली, इधर आया था कौन जानबाज हिंदुस्तान क्या आया था वेब सीरीज, हाँ वो भी आ गया, वो भी देखे हैं। गुलमोहर भी देखे हैं, सब देखे हैं उनके साथ, मनोज वाजपेयी के साथ। जब आया था ना उसी दिन देखे थे, वो थोड़ा थोड़ा सीन देखते थे, वो अपना शायद कि देखो हम इस यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं यही बोलते थे। लेकिन वो अपना मूवी पूरा नहीं देखते थे, हमको अच्छा नहीं लगता कि हम खुद अपना मूवी देखें, वो अच्छा उनको नहीं देखते थे। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? विकास वाला? हाँ सबसे ज्यादा वो उनकी कैरेक्टर है, जो क्या वो एक सीन था बस जब बस आते रहता है तो बस के आगे रुकते हैं और उसका कहता है देह पर चढ़ा देगा का भकलोले ड्राइवर है, चलाने उलाने नहीं आता है इसको, यही बोलते हैं। मतलब कि ये मतलब कि हम लोग को अच्छा लगा था और उनसे भी पूछे कि आप बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वो भी बोले थे कि हमको ये वाला ड्राइवर का जो रोल था ना ये बहुत मतलब कि अच्छा लगा था। वो वाला मतलब कि वो जो सीन है लगभग 2-3 मिनट का चंदा उछलने वाला, वो वाला मतलब कि हम लोग को भी अच्छा लगा था और कि हम काट लिए उसको। नहीं हर बार मतलब कि उनका एक्टिंग देखने के बाद लगता है कि हर बार चेंज हो जा रहे हैं, उन्हें जो एक्टिंग का डिमांड रहता है उसमें वो ढल जाते हैं। जब वो फिल्म की दुनिया में जाना चाहें तो आप लोग घर से कितना सपोर्ट मिला या फिर घर वाले बोलते थे कि कोई सरकारी नौकरी ही कर लो? एक्चुअली क्या था ना कि हम लोग बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जितना हो सके मम्मी को पता लग रहा था कि कुछ कर ले ये है ना, जैसे कोई भी सरकारी जॉब में कर ले या फिर कोई टेक्निकल डिग्री ले ले, तो उनको वो करना नहीं था। ठीक है कर लेंगे, हाँ मम्मी कर लेंगे, वैकेंसी आने दो कर लेंगे, लेकिन जो उनको जो करना था वही किए। वो एक बात बता रहे थे कि जब पंचायत वेब सीरीज देख रहे थे तो माँ को बैठ दिखाया और इसलिए दिखाया कि ताकि वो दरोगा का फॉर्म भरने को ना बोले। क्या था ना कि बहुत दिन वो मतलब घर के सबसे बड़े थे वो, तो एक दबाव था उन पे कि वो कुछ करे, तो मम्मी लोग लग रहा था कितना दिन पढ़ाई करोगे अब तो कुछ करो। हाँ तो फिर मम्मी लोग बोलती थी तुम फॉर्म नहीं भरते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो एक वो था उनके में। तो फिर जब बैठ के दिखाए मम्मी को, मम्मी उससे भी बोल रही थी इससे क्या होता है और अच्छा करो ना, क्या होते बच्चे के मतलब माँ पापा के सामने आप कितना भी बेहतर करें उनको लगता है और करो हमसे बेहतर। शुरू से ही सब सरकारी जॉब में थे
और ये अलग टाइप में बनना चाह रहे आ रहा था हम लोग को भी था अचानक यहाँ से उठ के कैसे होगा। हाँ एक डर था कि तुम कोशिश कर रहे हो चलो ठीक है बेहतर हो गया तो सही है नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे एज की लिमिटेशन होती है अब क्या लगता है अब तो बहुत खुशी अब तो समझ आ गया ना अब तो समझ आ गया कि उसमें क्या है और हम लोग मतलब चार भाई बहन है चार भाई हाँ बिल्कुल दो भाई दो बहन है हम लोग तो फिर सबसे बड़े रहने के नाते उनको दबाव था एक प्रेशर था आप पापा दिखाते होंगे सबको देखो ये मेरा बेटा चंदन है देखो कितना एक्चुअली क्या ना हमारे पापा अभी बहुत आदमी क्या है ना पापा के सामने वेब सीरीज देखते रहते हैं पापा भी आते हैं तो वो भी बोलते हैं पापा आप भी देख लीजिए वो इधर ही के बाद गुलमोहर आया था तो वो आए थे छुट्टी पर होली था जो छुट्टी था यहाँ पर आए तो मेरा ही फोन था नितिन जाओ मैं पापा को दिखा दूँ तो हम दिखा दिए तो वो पूरे मूवी देखे मम्मी और दादी पूरी मूवी देखे तब देखे तब पूछे वही चंदन भैया बाद में पूछे उनसे कि कैसा लगा तो बोले इसे बढ़िया मूवी है मनोज भाई सब कुछ बढ़िया है वही यहाँ आदमी के बीच उनको मन नहीं लगता है हम वो इस समय इस बार आए थे 8 किलोमीटर पैदल चले गए पैदल उधर से फिर 8 किलोमीटर आए बहुत देर तक घूमते रहे शाम हो गया 6-7 बज गया फोन आ रहा है घर से कहाँ है कहाँ नहीं है बोले कि कल तो चले जाएंगे आज तो छुट्टी आज तो घूम ले दो शुरू से अपना लक्ष्य रखा था कि हम फेमस बनेंगे और भरनार में विद्या निकेतन से मैट्रिक किया है उसके बाद पटना जा कर के पटना कॉलेज से इंटर बीए भी किया है उसके बाद मार्स कॉम्बिनेशन की तैयारी किया पटना से और दिल्ली से जेएनयू कॉलेज से मास्टर डिग्री लिया मेरा नाम अमरेंद्र प्रसाद यादव ग्राम दसराजपुर पोस्ट महनार जिला वैशाली से गांव को अब उनके नाम से जाना जाएगा अभी तो शुरुआत ही की है ना अभी तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल गांव से पहला व्यक्ति आप थे जिनको हीरो बनने का जी 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 तो है अभी भी है अभी पहले चाचा को खोजता है सबको छोड़ के चाचा को खोजता है सबसे पहले इन्हीं को पहले खोजता है इनको आई मिलते हैं बचपन में आप ही ले जाते हैं हाँ गाँव में बराबर जैसे यहाँ फंक्शन होता है जैसे हुआ छठ पर्व दुर्गा पूजा अगल बगल गाँव में होता है तो डायरेक्शन करने के लिए मुझे बुलाता है तो चल चंदन चलो चाचा तैयारी चुप्पे चापे माँ से चुप्पे चापे पिछले दरवाजा से निकल गई ऐसी आगे में एक चाचा है हम लोग का नथनी चाचा तो इस वजह से थोड़ा अथी है तो वो चुप के खंड में है वो निकलेगा इधर से हम लोग सेटिंग करके रहते हैं चलो निकल गए निकल के तब लेके जाते थे सबसे बचा छुपा के लिए आप छुपा के हाँ इस मुकाम पर पहुंचा है बहुत अच्छा खुशी हुआ कि मेरा नाम इसलिए अभी भी आपको ढूंढते हो ढूंढेंगे क्यों नहीं ढूंढेगा बचपन में मैं सहयोग किया बचपन में उसको अधिक किया डांटते होंगे सब करने के लिए अभी भी डांटते बाकी अब मम्मी पापा को बुझा गया कि नहीं मेरा बेटा बहुत आगे गया आपको पहले ही लग गया था हम कलाकार तो कलाकार के ही चुनाव करेगा ना भैया बहुत अच्छा है नाम दसराजपुर गांव का नाम रोशन हो रहा है ये लड़का जन कहना नाम है कि मेरा लड़का नौकरी करे सरकारी बाकी जिसको कलाकारी का बहुत सवार हो जाता है तो सरकारी नौकरी कुछ उसको हम आता है तो बराबर हम बोले थोड़ा जिम उम करो थोड़ा बॉडी वॉडी बनाओ अच्छा ठीक है अच्छा है चलिए सही है शुक्रवार शनिवार और रविवार को जो मूवी आती थी ना डीडी नेशनल पे नहीं हर शुक्रवार और शनिवार और रविवार को आता रविवार को दो आता था और शनिवार और शुक्रवार को एक एक आता था मैंने सोचिए कि वो 3 दिन मतलब वो इतना उत्साह में रहते थे उसे देखने के लिए उसको और बैटरी चार्ज करके लाना मैंने उसमें तो लाइन नहीं था ना बैटरी चार्ज करके लाना 15-20 रुपया में सबसे लेके मतलब कि घर से चुरा चुरा के और फिल्म देखना रात में 10-11 बजे तक लगभग चलता था मतलब ये सब भी बहुत करते थे अब मतलब कि वो जो रूम में चलता था उस रूम में आगे लिख देते थे आज का शो फिल्म का नाम जो भी तो पहले ही प्रोमो में दिखा देता था कि आज ये फिल्म देने आने वाली है तो वो अपना एक कागज पर लिख के और साट देते थे आगे ये कुमारी के आगे कि आज इस फिल्म का प्रोमो होगा इसमें इस रूम में अब रात में जो भी पूरा घर का जो भी है में भी बहुत अच्छा था उस सरकारी जॉब में होता मम्मी पापा कोई पिता को शौक होता माँ का शौक होता कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करे बाकी उसका शौक बचपन से ही था कि मैं कलाकार बनूँ हमको देखता था ना तो बड़ा खुश होता था चाचा हमरो लेके चलो मेरे यहाँ का जो भाषा आता था हाँ हमरो लेके चलो हम ये रोल करो हम लोग कहते पंचायत सीरीज के विकास शुक्ला यानी चंदन रॉय के घर से उनके फैमिली से हमने मिलवाया उनके भाई बहन और चाची इन लोगों से मिलवाया दोस्त लोग से भी मिलवाया और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा बहुत बहुत धन्यवाद।